बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जी टोयोटा करोला तैयार हो चुकी है, कंप्लीट गाड़ी की रिस्टोरेशन हुई है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है और कंप्लीट गाड़ी तैयार हुई है। इसकी ए टू जी पूरी छत भी और बाकी साइड्स वगैरह भी। उसके अलावा इसकी गाड़ी की हेडलाइट्स दोनों नई डली हैं, टेल लाइट्स नई डली हैं, बम्पर इसके नए डले हैं, इसकी ग्रिल नई डली है, इसके लोगोज नए लगे हैं, पूरी गाड़ी तैयार हुई है, अंदर से भी इसकी डिटेलिंग वगैरह की गई है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और वीडियो के एंड में जो है आपको इसका खर्चा भी बताया जाएगा, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं, आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर की जाएगी। हमारी वर्कशॉप जे रोड लाहौर में है, वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा और लोकेशन गूगल पर पिंड जो लोकेशन है हमारी वर्कशॉप की वो भी आपको मिल जाएगी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, अल्हम्दुलिल्लाह करोला तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारी तैयार हुई है। अभी मैं आपको सारी गाड़ी दिखा देता हूँ, इसका कंप्लीट रिव्यू दे देता हूँ। वीडियो आपने पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी। वीडियो के एंड में आपको जो है ना इसका खर्चा भी बता दूंगा, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं, इसकी डिटेल आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी, फ्रंट से देख लें, बोनट इसका देख लें, ऊपर ये देख लें शाइन कितनी अच्छी है, ग्राउंड कितनी अच्छी बनी हुई है इसकी। फिर ये इसकी लाइट्स देख लें, ये लाइट्स इसकी न्यू डली हैं। उसके अलावा इसकी ये ग्रिल न्यू डली है, ठीक है। इसकी ये लाइट भी देख लें, ये भी न्यू डली है और इसका बम्पर भी न्यू डला है और ये जेन्युइन बम्पर है इसके, फ्रंट के भी और बैक के भी। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी बैक से भी। लेफ्ट साइड पे आ गए हैं जी, ये देख लें कलर इसका, देख लें कितना खूबसूरत हुआ है, ये देखें। यहाँ से देखें इसकी ग्राउंड, देख लें कितनी अच्छी बनी हुई है। इसके गोले वगैरह दोबारा सारे लगा दिए गए हैं यहाँ पे कंप्लीट। मैंने आपको जो दिखाया था इसकी सफाइयाँ वगैरह होने वाली थी, इसकी सारी सफाइयाँ भी हो गई हैं, पूरी गाड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है। अभी मैं आपको इसकी छत दिखाता हूँ, ये छत देख लें कितनी अच्छी तैयार हो गई है, पूरी गाड़ी पेंट हुई है, डेंटिंग पेंटिंग इसकी की गई है हमने, मैकेनिकल काम इसमें नहीं था, सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग का काम था। बाकी बैक साइड पर आ गए हैं, तो बैक साइड से देख लें, ये इसकी लाइट्स जो हैं न्यू डली थी और दरमियान वाली जो है डिगी वाली वो साफ़ करवा दी थी। इसका ये पिछला बम्पर ये भी न्यू डला था, ये देख सकते हैं बैक साइड से इसकी लुक कितनी खूबसूरत बन गई है माशाल्लाह। लाइट कम है इसलिए आपको थोड़ा लग रहा होगा, ये देखें। कमेंट्स में बताना आपने कि गाड़ी कैसी लग रही है, इसके लोगोज वगैरह भी लगा दिए गए हैं। ये साइड देख लें, इसकी जेन्युइन लाइट्स हैं, जेन्युइन बम्पर हैं। अभी लेफ्ट राइट साइड पे आ गए हैं, ये देख लें शाइन इसकी, देख लें कितनी अच्छी है और पेंट क्वालिटी, ये चीज़ें चेक करें सारी, ग्राउंड इसकी चेक करें। इसके हैंडल वगैरह सारे साफ़ करवा दिए थे, इसके ये जो डोर ट्रिम्स आए हैं ये भी लग गए हुए हैं, अपनी एक्यूरेट जगह पर लगाए हैं। बाकी आपको मैं गाड़ी अंदर से खोल के दिखाता हूँ, अंदर से भी इसकी सारी डिटेलिंग हुई है, पूरी गाड़ी साफ़ की है अंदर से भी, ये देख सकते हैं दरवाजे देख लें अंदर से। ये जगह भी सारी इसकी ख़राब थी, ये दोबारा यहाँ से पेंट कर दी गई है सारी ये जगह, ठीक है। अंदर से देख लें, इसके पैनल भी चेंज हुए थे, तो ये पैनल इसके देख लें, ये चीज़ें सारी बहुत अच्छे हो गए हैं तैयार। इसकी सीट्स के ऊपर पहले कवर चढ़े हुए थे, वो तो कवर भी उतार के इसकी सीट्स वगैरह भी साफ़ करवा दी गई हैं। बाकी इसके ऊपर ना ये निशान पहले से लगे हुए थे तो ये उतर नहीं रहे। बाकी ये देख लें अंदर से, इसका डैशबोर्ड देख लें, ये भी सारा साफ़ करवा दिया गया है, अंदर से भी क्लीनिंग वगैरह करवा दी गई है, इसके मैट वगैरह भी नीचे से। अभी मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाता हूँ और यहाँ से हम डिग्गी खोल लेते हैं, फिर आपको इसकी डिग्गी भी दिखाऊँगा अंदर से, क्योंकि इसकी डिग्गी भी हमने साफ़ की थी। बैक साइड भी आ गए हैं जी, बैक साइड देख लें, अभी इसके हैंडल वगैरह अभी नए लग जाएंगे, ये देख लें अंदर से सीट्स वगैरह, अंदर से मैट्स वगैरह, ए टू जी सारी गाड़ी जो है ना तैयार हो गई है। और ये गाड़ी फॉर सेल नहीं है, ठीक है, ये गाड़ी इन्होंने हमारे कस्टमर उन्होंने तैयार करवाई है हमसे, ठीक है। अभी आपको मैं डिग्गी इसकी दिखा देता हूँ, ये मैंने डिग्गी इसकी खोली है, अब आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ गाड़ी। तो ये देखें अंदर से भी सारी इसकी सफाई वगैरह करा दी, बाकी ये इसका पेंट उतरा हुआ था तो इसको पेंट वगैरह तो खैर नहीं किया क्योंकि अंदर से ओरिजिनल कलर में रखनी थी। तो ये सारी देख लें, अंदर से भी गाड़ी रेडी हो चुकी हुई है,
इसकी लाइट्स आपको मैंने बता दिया था कि लाइट्स वगैरह इसकी न्यू डल गई हैं। इसका खर्चा मैं आपको बता दूंगा आगे वीडियो में, तो वीडियो देखते रहना। बाकी इसकी कंप्लीट गाड़ी तैयार हो चुकी है, इसको नीचे कर देते हैं और फ्रंट पे चलते हैं। और इसकी ये छोटी लाइट्स भी सारी, और फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी छत भी सारी तैयार हो गई। आपने देखा था यहाँ पर सारा जंग पड़ा हुआ था, इस जगह पर, इन जगहों पर सारा जंग था, यहाँ पर सारा जंग था, तो ये भी सारा क्लियर हो गया। तो अभी जो है ना, आपको इसका ख़र्चा वगैरह बता देते हैं, इसके ऊपर कितने पैसे लगे हैं। तो गाड़ी आपने देख लिया करोला, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको गाड़ी पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स आपने मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को आपने लाइक कर देना है। और अब मैं जो है ना, आपको इस गाड़ी का खर्चा बता देता हूँ कि इस गाड़ी के ऊपर टोटल कितने पैसे लगे हैं, कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इसकी। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको ये मेरी ग्लासेस में नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक रिंग लाइट लगाई हुई है। तो अगर कोई बंदा ये रिंग लाइट खरीदना चाहता है इस तरह की, 26 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और विद स्टैंड, तो इसकी प्राइस जो है वो 2200 रुपये है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं और मेरे साथ डील कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए रिंग लाइट तो मुझसे ख़रीद सकते हैं। तो चलें जी, अब बात करते हैं जी इसके खर्चे की, कि इसके ऊपर कितने पैसे लगे गाड़ी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम शुरू करते हैं जी हेडलाइट से, ठीक है। इसकी हेडलाइट्स जो है ना, फ्रंट आपको मैंने बताया था कि न्यू डली हैं। फ्रंट हेडलाइट्स इसकी ताइवान की जो आती हैं, डिपो कंपनी की अच्छी वाली जो होती हैं, ये 11500 रुपये का पेयर आता है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बताया था इसकी टेल लाइट्स, तो जो जेनुइन टेल लाइट्स आती है ना सिर्फ कॉर्नर वाली, वो तकरीबन 13-14 हज़ार रुपये की हैं। ताइवान की नहीं, जेनुइन मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाता है जी बम्पर्स, तो इसका फ्रंट बम्पर भी चेंज हुआ था और इसका रियर बम्पर भी चेंज हुआ था। तो फ्रंट और रियर बम्पर जो है ना, एक एक बम्पर की प्राइस 7000 है, तो दोनों बम्पर जो है ना वो 14000 रुपये के हो गए, और ये जेनुइन बम्पर हैं, लोकल या ताइवान के बम्पर्स नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर इसका एक बम्पर का स्पेसर टूटा हुआ था, तो वो भी नया लगा था, तो उसकी प्राइस जो है ना 700 रुपये है। अभी ये सारा कुछ, सारी मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, फिर इनको टोटल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि गाड़ी के ऊपर टोटल कितने पैसे लगे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी, इंटीरियर की क्लीनिंग की थी सारी, मुकम्मल इंटीरियर गाड़ी का साफ़ किया था, सीट्स वगैरह खोली थी, इसका क्लीन वगैरह बाहर निकाला था, ये सब कुछ वॉश हुआ था, पूरी गाड़ी अंदर से डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ जो है ना साफ़ हुआ था। तो इसके जो चार्जेज हैं वो 3000 रुपीज़ हैं। उसके बाद आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसके पैनल्स गले हुए थे, साइड पैनल्स, ठीक है। तो वो जो जिसको रॉकर पैनल भी अक्सर लोग कहते हैं, तो वो इसके साइड पैनल चेंज हुए थे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। इन दोनों की जो प्राइस है वो 3000 रुपीज़ है। उसके बाद आ जाता है जी इसका लोगो, एक लोगो भी इसका चेंज हुआ था, वो 60 रुपीज़ का लोगो आया। उसके बाद इसके मड फ्लैप्स आ जाते हैं। मड फ्लैप्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो बम्पर्स के नीचे ब्लैक कलर के लगे होते हैं कीचड़ से बचाने के लिए बम्पर्स को, तो उन्हें मड फ्लैप्स कहते हैं, तो वो भी इसके आए थे। उनकी प्राइस जो है वो 400 रुपीज़ है। ओके, आगे आ जाते हैं इसकी ग्रिल, इसकी फ्रंट ग्रिल भी चेंज हुई थी, और ग्रिल की जो कीमत है वो 650 रुपये है, 650 रुपये। और बाकी जो है ना, इसकी छोटी मोटी चीज़ें आ गई थी, कुछ पेच वगैरह और क्लिप्स वगैरह आए थे, तो वो तकरीबन 160 रुपये के वो आए थे। अब जो है ना, ये सारा कुछ तो क्लियर हो गया जो पार्ट्स वगैरह इसमें आए थे। अब आ जाती है जी मेन चीज़ जो है इसकी डेंटिंग पेंटिंग। तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर जो खर्चा आया वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेंटिंग के ऊपर लगे हैं जी 20000 रुपये, जिसमें इसकी पूरी बॉडी की डेंटिंग की गई है, छत भी इंक्लूड थी और बाकी सारी गाड़ी भी। और इसमें जो इसके साइड पैनल्स मैंने आपको बताया चेंज हुए हैं, उसकी डेंटिंग भी इसी में इंक्लूड है। 20000 रुपये में सारी गाड़ी की डेंटिंग की गई है। और इसके पेंट के ऊपर खर्चा आया टोटल 45000 रुपये। 45000 रुपये में सारी गाड़ी पेंट की गई है बाहर से, कंप्लीट ए टू जी, फ्रंट बम्पर से लेकर रियर बम्पर तक, ऊपर नीचे सारी गाड़ी जो है ना 45000 रुपये में पेंट हुई है। तो अब जो है ना, इसका ग्रैंड टोटल कर लेते हैं कि इसके ऊपर टोटल कितने पैसे लगे हैं। तो इन सब चीज़ों का जो टोटल है वो तकरीबन 1,12,470 रुपये बनता है। 1,12,000 आप काउंट कर लें तो तकरीबन इतने चार्जेस, 1,12,000 रुपया जो है ना इस गाड़ी के ऊपर चार्जेस आए हैं। इस कंप्लीट गाड़ी को रिस्टोर करने में हमें 1,12,000 रुपये का खर्चा आया। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप में से कोई बंदा गाड़ी तैयार करवाना चाहता है अपनी, तो हमारी वर्कशॉप जो है वो जे रोड लाहौर में है। वर्कशॉप का फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, उस पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। और काइंडली जो है ना, गाड़ियाँ बेहतर है कि आप ला के दिखाएँ, क्योंकि हर गाड़ी का डिफरेंट एस्टिमेट होता है, बिल्कुल सेम नहीं होता। कुछ गाड़ी में काम कम होता है तो पैसे भी कम लगते हैं, कुछ गाड़ी में काम ज़्यादा होता है तो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी हमें ला के दिखा दें वर्कशॉप में, तो आपको जो है ना उसका परफेक्ट एस्टिमेट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो दोस्त नहीं हुए चैनल पे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी ऑन कर लिया करें, ताकि नई आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।